जय गो माता, जय गोपाल। दोस्तों, नंदी बिना सब सुना, नंदी के बिना संवर्धन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सामने दिख रहे हैं गिर के सर्वोत्तम से सर्वोत्तम नंदी, और यह गौशाला है माणावदर की गौशाला, अनुसुईया गौशाला। दोस्तों, इस वीडियो में आपको गुजरात की अधिकतर ब्लड लाइन के सारे नंदी की पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ये जो नंदी दिख रहा है सिर्फ 23 महीने का है। नंदी किस लाइन के है, कौन से नंदी है, संवर्धन में उनका क्या रिकॉर्ड है, आगे की उनकी पीढ़ियां क्या है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, आपके समर्थन के बिना यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे, जानते हैं। तो अनुसुईया गौशाला, आपने नाम तो सुना ही है। आज आपको यहाँ के सबसे शानदार नंदी दिखाएंगे। किस नंदी की क्या पेडिग्री है, क्या रिकॉर्ड है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। वीडियो के शुरू में आपने दिखाई है कितने जबरदस्त नंदी है यहाँ पे। सबकी पेडिग्री जानते हैं, क्या रिकॉर्ड है और गुजरात में क्यों गिर को इतना मान है। चेतन भाई, अभी कौन से बुल से मिलाने वाले आप? पहले मैं मिलाऊंगा, हमारा एक बछड़ा है जो 16 मंथ का है और उसका नाम है योगिनी। योगिनी, तो दोस्तों योगिनी से मिलते हैं। क्या बात है, योगिनी आ भी गया है, बहुत बढ़िया। योगिनी, क्या रिकॉर्ड है डॉक्टर साहब इसका, योगिनी का? योगिनी का रिकॉर्ड है, ये लालपड़ी मेलडी माता के मंदिर से बिलोंग रखता है। लालपड़ी मेलडी माता, उसका स्टैम्प भी है। मैं कहाँ पे स्टैम्प दिखा दीजिए, दिखाता हूँ। ये योगिनी सिर्फ 16 महीने का है, सिर्फ 16 महीने का है। देखो इसका स्टैम्प, अच्छा ये LM लिखा हुआ है, LM लालपड़ी मेलडी माता गौशाला का है। और ये इसकी मदर का नाम है योगिनी। योगिनी, हाँ। इसका नाम भी आपने योगिनी दिया, इसका नाम भी, इसका नाम योगिनी दिया है हमने। और इसका फादर का नाम है मार्सलो, मार्सलो का बछड़ा। अच्छा, मार्सलो का क्या रिकॉर्ड था? मार्सलो भावनगर के लाइन से बिलोंग करता है। अच्छा, मार्सलो, मार्सलो भावनगर, मार्सलो इसके पिता हो गए और माता है योगिनी। योगिनी का दूध कितना था? योगिनी का दूध था 21 लीटर पर डे। 21 लीटर पर डे, ये काबरा है ना? ये काबरा, काबरे में मार्सलो की तरह ये भी इसके ही रंग रूप से सेम, जैसा मार्सलो दिखता है वैसा ही है, मतलब पिता के गुण पे गया है, पिता के गुण पे। तो मार्सलो की माता का रिकॉर्ड कुछ ध्यान है आपको भावनगर का? हाँ, वो भी ब्लड लाइन तो टॉप लेवल की थी, पर उसका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा था, उसके थन और ये सब डेवलपमेंट में भी और मिल्क प्रोडक्शन में भी उसकी 20 के आसपास ही था। 20 के आसपास ही। कितना प्यारा है, देखा, शांत एकदम, फोरहेड, चेहरा, सब कुछ जबरदस्त है। इसे कहते हैं नंदी, सिर्फ 16 महीने का ही, सिर्फ 16 महीने का। अभी तो सर्विस भी शुरू नहीं की है, सर्विस भी नहीं शुरू की है। बॉडी सब में कुछ, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा हाइट बनेगा और ये सर्विस में इसके बच्चे भी बहुत शानदार मिलेंगे। तो आप लालपुरी मेलडी माता से इस नंदी को लेकर आए? इस वहाँ से। तो यहाँ पे सारे अच्छे नंदी इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब गुजरात के अच्छे, सारी पेडिग्री, भावनगर से, लालपुरी मेलडी माता जी के मंदिर से, काफी अच्छे अच्छे तो है, वहाँ से हम नंदी यहाँ करके हमारी संतति बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, और आप रिकॉर्ड भी हो, पुराने सीमन भी बहुत अच्छा, जबरदस्त। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी पीढ़ी मिलेगी। अब डॉक्टर साहब, दूसरा कौन से नंदी से मिलाएंगे आप हमको? अब मैं मिलाऊंगा आपको अर्जुन से। अर्जुन से, क्या बात है, अर्जुन का बेटा, अर्जुन, अर्जुन का नहीं है वो, मोहन का बछड़ा, मोहन का, पर अर्जुन, ये अर्जुन अलग नाम करेगा, अर्जुन अलग नाम। चलिए मिलते हैं अर्जुन से, चल योगिनी मिलाते हैं। योगिनी मिलाने चल रहा है क्या हमको? मिलाने चल रहा है। ये अनुसुईया गोधाम है क्या? चल लो मेरे दोस्त अर्जुन से मिलो। चलिए योगिनी देखो अर्जुन की तरफ जा रहा है, चलिए रास्ता बताया हमको, बहुत प्यार है। ये है अर्जुन सामने फुंफाड़ करते हुए, क्या बात, बहुत बढ़िया। अद्भुत नंदी है अर्जुन, एकदम शांत अर्जुन, एकदम शांत, बहुत बढ़िया। इसका क्या रिकॉर्ड है सर? ये अभी सिर्फ 23 मंथ का है, सिर्फ 23 महीने का है, 23 महीने का। हाइट बॉडी तो जबरदस्त है इसकी, इसकी है बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप। और ये हमारे यहाँ देखो इसका एजी अनुसुईया गौतम 01 नाम से इसका ब्रांड किया। अच्छा, क्या बात है, एजी 01, एजी, हाँ, एजी अनुसुईया गौतम 01 से ब्रांड है, क्या बात है। ये हमारा पहला
बछड़ा था, ये बछड़ा ही लेके आए थे, एक कुंडल मंदिर से बिलोंग रखता है और उसका फादर है मोहन, मोहन हाँ, उसकी 6 महीने के लेके आए थे। अच्छा, अभी उसका बॉडी कुंडल मंदिर से लेके, कुंडल मंदिर से लेके आए, उसकी भी 23 लीटर के पर्स, कुंडल कुंडल मंदिर के भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड है नंदी, है ना। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको जितने भी अच्छे अच्छे स्थान बताए जा रहे हैं जल्दी आपको सबके वीडियो दिखाऊं दोस्तों। तो कुंडल मंदिर की गोमाताएं भी अच्छे दूध में होती है, 23 महीने का हाइट बॉडी, डॉक्टर साहब की हाइट मेरे हिसाब से 5.5-6 फीट है, सर्विस भी नहीं दे रहा था मेरे मेरे साथ में, देखो आहा, आप एक बार हाइट कंपेयर करना, पूरी हाइट डॉक्टर साहब के बराबर है, क्या हाइट है इसकी, और एकदम शांत, किसी भी तरह से आप इसको कहीं भी छू सकते हो, कोई वस्तु, बहुत अच्छा इसके, इसको तो मैंने भी अभी सहलाया था, पूरा आनंद आया था, इसको तभी हमारे साहब ने देखा था ना, तभी ये पसंद आ गया, 6 महीने का, हाँ 6 महीने का था तभी हमारे साहब ने पसंद कर लिया था, तब से लेके हमारे पास ही आता है। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, वैसे हितेन भाई ने पसंद कर लिया था इसको जब 6 महीने का, तभी तब ये यहाँ आ गया था। अनुसुईया गोदाम 01 01, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसकी कितनी वैल्यू है, ये जी 01 मतलब अपनी गोधाम का पहला नंबर इसको दिया है, पहला नंबर इसको दिया है अनुसुईया गोधाम 01 बुल को हम 01 से देते हैं, दूसरे बुल को 02 से देते हैं, तीसरे बुल को 023 से देते हैं, और जो गाय होती है उसको 123 से देते हैं, 123 से देते हैं। तो एजी 01 आने वाले समय में एजी आपको बहुत दिखेगा दोस्तों, इसलिए एजी को ध्यान दीजिए, इनके द्वारा जो प्रयास इस ब्रीड को बचाने के लिए किए जा रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है, निस्वार्थ भाव से। अब इसकी जो माता का क्या नाम था वापस बता दीजिए एक बार, ये कुंडल मंदिर, कुंडल मंदिर का, उसकी माँ मधरी कुंडल मंदिर का, और इसका फादर मोहन, मोहन मोहन फादर मोहन है, मोहन का क्या रिकॉर्ड है, मोहन मोहन का रिकॉर्ड वो भी बिलोंग रखता है भावनगर, भावनगर से, भावनगर ने बहुत बड़ा काम किया, भावनगर से मोहन, और इसकी माता का दूध लगभग 23 लीटर पर डे, बहुत बढ़िया। तो जब हमारे देश की गोमाताएं 20-20 लीटर दूध देने लगेगी कम खा के भी, एचएफ जर्सी तो इतना खाती है कि रुकती नहीं है, तब दूध बहुत बढ़ेगा, और आने वाले समय में जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं गिर में, थारपारकर में, साहिवाल में, तो ये नस्लें ज़रूर बचेगी। एक बार इस नंदी को चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये होती है नंदी की क्वालिटी, और ऐसे होते हैं नंदी दोस्तों। घोड़ों के लाखों रुपये सुने होंगे, इन नंदियों की लाखों रुपये में कीमत है, और वो वैल्यू है। अच्छी ब्रीडिंग करते हैं तो आपको लाभ भी होता है, बस रुकना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है। देखिए ये होता है रूप रंग और नंदी, ये होती है सुंदरता। जय हो, जय हो। अभी भाई साहब अर्जुन के बाद में कौन से नंदी से मिला रहे हैं आप हमको? हम आपको मिलाएंगे पावला से, पावला सबसे हाइट बॉडी में भी है जो, ओ लाइन से, लाइन से एलीआई लाइन से, एलीआई एलीआई मतलब एलीआई लाइन से, जो भावनगर की जो एलीआई लाइन होती है, एलईडी सबसे अच्छी लाइन, अच्छी लाइन, अच्छी लाइन से। चलिए तो मिलते हैं पावला से, ठीक है अर्जुन, धन्यवाद, जय गौ माता। चलिए चलते हैं, ओपन ग्रेजिंग है यहाँ पे, है ओपन है पूरा, यहाँ अपने आप से अपनी मर्जी से घूमती है, ये आनंद ले रहा है, ये अपना आनंद ले रहा है, ये अपनी हिम्मत बता रहा है कि मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, अपना एरिया डिसाइड कर रहा है, अपना एरिया है। अभी जिस बुल को हम देखने आ रहे हैं वो देखते हैं, क्या बात है, पावला, पावला नाम है इसका ना, पावला, इसका क्या रिकॉर्ड है, क्या है ये, ये भावनगर से, इसका सिंबल मैं आपको दिखाता हूँ, पीआर का ब्रांड भी दिखाता हूँ, प्रदीप सिरावल का है, बापू का ही, अच्छा बापू का ही, क्या बात, कद काठी दौड़ सब कुछ जबरदस्त नंदी है, बहुत सुंदर नंदी है, क्या बात है, ये होता है आनंद, खुले में चढ़ती गो माता है, देखो सब आनंद लेती है, सब गाय का आनंद देखो, क्या बात है, अद्भुत दृश्य है। गुजरात की सर्वोत्तम गायों में से एक, सारी गाय यहाँ पर आपको एक साथ दिखेगी, काबरी, लाल, पूरी, सफेद, लीलड़ी, सारी तरह की। हाँ अब पावला, इसके बारे में कुछ बता रहे थे आप, इसमें देखो कांकरेज भी है हमारे पास, हाँ एक कांकरेज है ना, वही भी आपके, हाँ जल्दी आप कांकरेज का भी शुरू करने वाले, बहुत सुंदर बछड़िया भी, बहुत सुंदर आ रही है सारी, एक से बढ़कर एक, तो पावला की माँ का क्या रिकॉर्ड था, वो रूपा 189 का है, रूपा 189 का है, उसके फादर है नंद, नंद अच्छा, रूपानंद नंद, क्या बात है,
तो इसका रूपा के दूध का क्या रिकॉर्ड रहा? वो भी काफी मिल्क स्टेशन में 20 से ज्यादा ही होगी, ज्यादा। रूपा तो प्रसिद्ध गायों में से एक है, और इसके रूप रंग और सारी चीजें लग रहा है कि कोई जबरदस्त है। क्या एज क्या इसकी रोका? इसकी एज 4 साल। 4 साल का ना? हाँ। अद्भुत नंदी, अद्भुत, बहुत जबरदस्त नंदी है। देखो टेम्प भी है इसका, बिल्कुल पीआर दिख गया, पीआर भी दिख गया इस टाइम। टेम्प भी है, बिल्कुल पीआर दिख गया, क्या बात है। प्रदीप सिंह जी एक खुद ब्रांड बन गए। हाँ, उन्होंने बापू ने जो काम किए है ना, वो खुद एक यही मिसाल है दोस्तों। जीवन में जिंदगी चली जाती है, चीजें यही याद रहती है। आने वाले में समय में एजी भी एक ब्रांड बनेगा, क्यों ना साहब? या ठीक, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है इतने सुंदर नंदियों के दर्शन कराने के लिए सभी को। और ये सभी गौ माताएं, जैसे पहले भगवान कृष्ण जिस तरह गौ माताएं चराते थे पेड़ों के नीचे, शानदार, वही देखिए आप, आनंद ले रही है सारी गौ माताएं। बहुत सुंदर कार्य है नितिन भाई शेठ का, इनके पूरे परिवार। कौन सा बुल है, इसकी क्या जानकारी है? ये एबी है सकीनानो 156। हाँ। और सकीना का भगरा इसका नाम दिया है। सकीना का ये मतलब भावनगर लाइन ही है। हाँ, बापू का ही सकीना 156 है। इसकी मदर है सकीना 156। हाँ। और इसका फादर है तोखार 98। तोखार 98। हाँ। अच्छा अच्छा, तोखार 98 तो बड़ा फेमस बुल रहा है। इसका फादर तोखार 98, इसका नाम दिया माँ के सकीनानो, सकीनानो भगरो, भगरो। हाँ, इसका मगर सकीना का बेटा, सकीना का बेटा है। अच्छा, सकीना और इसकी मदर है सकीना 156 और इसके फादर का नाम है तोखार 98। तोखार 98, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस नंदी को आप देखें ना, एकदम रूप रंग जबरदस्त है। इसकी माँ का कितना दूध था? इसके मदर मिल्क कितना था? इसका मदर मिल्क पर डे 18 लीटर। 18 लीटर था तो नंदी बहुत अच्छा है। अभी बॉडी स्ट्रक्चर में है और हाँ। अभी छोटा ही बुल है। देखिए ना, आप सारी गायों में अगर आप देखोगे तो हाइट क्या होगी, एज इसकी? एज होगी इसकी 5.5 साल। 5.5 साल और सभी गायों में हाइट बॉडी में बहुत ऊंचा है। नंदी भी उसका रूप रंग भी माथा वाथा बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर नंदी है ये दोस्तों। ऐसे नंदी एक जगह पे आपको बहुत कम मिलने को देखने। हाँ, डॉक्टर साहब, अभी कौन सा नंदी आ रहा है बाहर? मैं आपको मिलाऊंगा सकीनो बुल से, सकीनानो 156। ये भावनगर लाइन से, भावनगर लाइन सकीनानो 156 जो ब्रीड लाइन है। चलिए दिखाते हैं दोस्तों, देखने के लिए तैयार रहेगा सकीनानो। कम सकीनानो, क्या बात, कम ये आ रहा है बार, आ गया। जय हो, जय हो नंदी देवता की, जय हो, क्या बात है। डॉक्टर साहब, क्या इसकी माता सकीना थी ना? इसकी माता सकीना थी 156 और इसका फादर है प्रिंस। प्रिंस का है, इसका लाइन लेंथ देखो। अभी ये उसका नेचर भी दिखाएगा आपको। क्या बात है, देखो ये हमारा तीसरा बुल है सकीनानो 156, मदर सकीना और फादर है प्रिंस। फादर है प्रिंस, इसके टॉप लेवल के बच्चे भी इसके इतने हेल्दी भी आते हैं और इतने सुंदर आते हैं कि जब आते हैं तो आपको उसको गोद में बिठाने का मन। क्या बात कर रहे, इतने सुंदर बच्चे, इतने सुंदर, क्या बढ़िया लाइन बोली है कि गोद में बिठाने का मन करता है। बहुत प्यारा नंदी है। और इसकी माताजी का क्या रिकॉर्ड था? ये मिल्क प्रोडक्शन में भी अच्छी थी और अभी बापू के पास खड़ी भी है। तो आपके यहाँ बुलों की स्पेशल केयर के लिए आप करते क्या है? इसको बुलों के अच्छे जो जो सर्विस देता है उसके लिए हम खानदान में भी बहुत केयर करते हैं। उसको बहुत खान से थोड़ा दूर रखते हुए चूनी वेदर अप्रूव करते हैं और फिर मल्टी विटामिन भी देते हैं। इसके लिए उसका सीमेन क्वांटिटी भी एक अच्छा, साथ रहे अच्छा रहता और स्पर्म की मोटिलिटी भी अच्छी, मोटिलिटी भी अच्छी रहती है और रिपीट नहीं होने पाए, रिपीट वापस गाय रिपीट भी नहीं होती। नहीं होने, क्या बात है, जबरदस्त नंदी है ये दोस्तों, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, और जो मिशन से जिसको शुरू किया गया है, मुझे लगता है कि जल्द ही देश को अच्छे अच्छे नंदी यहाँ से मिलेंगे,
आपके कार्य को बहुत सद्भावी तरीके से आप कर रहे हो। हजार गाय के डिपेंडेंट पे एक नंदी होता है, अगर हमारे पास अच्छी नंदी हो तो हमारी संतति बढ़िया अच्छी रहेगी। हमारे जो बच्चे आएंगे गाय माता के, बुल हो या बछड़ी हो, कोई भी आएगा तो हमको देखो उसका नेचर अभी वो क्या कर रहा है, मस्ती में जय पूरा देखे, ये होता आनंद, नंदी देवता का आनंद है ये। आहा जय हो नंदी देवता की, जय अपने आनंद में है पूरा, बहुत सुंदर नंदी है, आहा बहुत ही प्यारा नंदी है, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब जो मुझे यहाँ आके महसूस होता है ना, इसके जो नंदी जिस तरह से आप केयर करते हो तो उनसे आने वाले समय में मतलब अच्छी पीढ़ी यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा आप और कौन से अच्छे अच्छे सीमन के माध्यम से कौन से बुल आने वाले हैं, जो अभी गोमाताओं को आपने सीमन अच्छे अच्छे बुल कौन कौन से सीमन लगाए हुए? अच्छे सीमेन हम ज्यादा तो नेचुरल सर्विस ही करते हैं, सीमेन बहुत कम लगाते हैं। कुछ अच्छे बुल जैसे नेचुरल भी अभी हमारे पास है, रेनाटो रेनाटो का एक बच्चा आएगा, वो गाभिन है एक गाय, और एक तोखर 98 से भी गाभिन है। और हमारे पास सीमेन में बस दो ही अभी, दो अच्छे मार्सलो का भी, वो तो बछड़ा ही हमने, बहुत बढ़िया। तो एक अच्छे ध्यान में रख के अच्छी पीढ़ी को लेने के लिए कार्य किया जा रहा है, बहुत सुंदर। और नेचुरल एनवायरनमेंट देखिए ना, पेड़ पौधों के बीच में गौमाताएं घूम रही है, वो नंदी देवता देखे आनंद ले रहा है, तो यही होता है ब्रीडिंग का रूप। बहुत अच्छा लगता है इस स्थान पे आकर, बहुत ही सुंदर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हितेंद्र भाई शेठ का भी, पूरे परिवार का, आप सभी के द्वारा जो किया जा रहा है, बहुत सुंदर कार्य। जय गौमाता, जय गोपाल, जय गौमाता।